वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं समीर वर्ल्ड फिटनेस। कैसे हो सारे लोग? उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे। और गाइस, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ट्रू बाइट ड्यून्स की तरफ से एक पीनट बटर, जो कि चॉकलेट क्रंची फ्लेवर में आता है। इसको गाइस मैं पिछले एक दो हफ्ते से यूज़ करता आ रहा हूँ। मैं पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट के टाइम पे यूजुअली इसको या तो जिम से पहले या जिम के बाद में इसको कंज्यूम करता हूँ अपने प्रोटीन शेक्स में मिला के। और आप यूजुअली ब्रेकफास्ट में भी अपने ब्रेड टोस्ट वगैरह है उसमें भी अप्लाई करके इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रंची टेस्ट है इसका। मुझे इसमें ये सबसे बेस्ट इसकी टेस्ट की बात ये लगी कि इसमें स्वीटनर बिल्कुल भी मीडियम लेवल पे है। काफ़ी ज़्यादा पीनट बटर्स में मैंने देखा है कि स्वीटनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें मिठास इतनी ज़्यादा होती है कि जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो अजीब सा आपको टेस्ट लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा इस। लेकिन ड्यून्स की अगर बात करें, ड्यून्स पीनट बटर में जो है स्वीटनर इन्होंने काफ़ी मीडियम लेवल पर डाला है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो गाइज़ मैं भी इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ और अभी मैं इसको आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। जो छोटे छोटे इसमें कुकीज़ रहते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा आपको क्रंची टेक्सचर आने वाला है इसमें और बिल्कुल भी ज़्यादा स्वीटनेस नहीं है। एक मीडियम लेवल पे इसकी स्वीटनेस होती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ काफ़ी सारे पीनट बटर्स में जो स्वीटनेस है वो शुगर स्वीटनर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो गाइस ट्रू बाई ड्यून्स पीनट बटर के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें हाई प्रोटीन मिलता है आपको, टेस्ट भी इसका काफ़ी बढ़िया है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इसके टेस्ट की वजह से आपको। नेचुरल एनर्जी बूस्टर है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स मिलती हैं जो हेल्दी कार्ब्स होते हैं। कोई भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल नहीं है गाइस। अगेन गाइस, कोई भी पीनट बटर आप परचेज कर रहे हैं तो मेक श्योर हमेशा ध्यान रखें कि उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल ना हो। अगर उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल है तो वहीं पे आपको उसको कैंसिल कर देना है क्योंकि वो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें 0% हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं और नो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैट फ्री भी हैं ये। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स की बात करें तो प्रोटीन और डाइटरी फाइबर में ये काफ़ी ज़्यादा रिच है, आपकी हार्ट की हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर आपकी हार्ट की हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा ये प्रमोट करता है। इसमें हेल्दी फैट्स हैं जैसे कि ओमेगा 3। गाइस आपको पता होगा हमारे स्किन और हार्ट और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 कितना इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी इसमें काफ़ी हद तक मौजूद है। आपके वेट मैनेजमेंट, चाहे आपका गोल वेट लॉस हो या वेट गेन हो, आप अपने हिसाब से जो डाइट ले रहे हो वेट लॉस या वेट गेनिंग के लिए, उसमें अगर आप इसको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप हाई कैलोरिक डाइट में हैं गाइस तो आपके जो कार्ब डेली कार्ब रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफिल करने में ये पीनट बटर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उस केस में आप मॉर्निंग में एक स्पून कंज्यूम कर सकते हो और इवनिंग में एक स्पून डेली बेस पे कंज्यूम कर सकते हैं। और गाइस अगर आपका गोल वेट लॉस है तो डेफिनेटली आप एक बड़ा स्पून डेली बेस पर ले सकते हैं, इसको कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डाइट में इंक्लूड करके, आपको काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस के फ़ायदे मिलेंगे क्योंकि ये कंज्यूम करने के बाद आपको जंक फूड वगैरह खाने का कोई नहीं रहती और इसकी वजह से आपको काफ़ी सेशिएटिंग भी फील होता है क्योंकि इसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा है गाइस। इसके अलावा अगर बात करें तो ये आपकी बोन्स को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, विटामिन्स और मिनरल्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा रिच है और आपकी एनर्जी और एंड्योरेंस, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट हैं या जिम जाते हैं, उस केस में आपकी परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस को बूस्ट करने के लिए आप इस पीनट बटर को कंज्यूम कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और अफोर्डेबल ऑप्शन है आपके लिए। इवन अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल हैं, आप जिम नहीं जाते हो खाली वॉकिंग करते हैं, उस केस में भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स इसके मिलेंगे गाइस। आपकी बेनिफिट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे इसको यूज़ करने के बाद गाइस, क्योंकि मैं खुद ही इसको 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और आई रियली फेल्ट द डिफरेंस। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है। आई विश मुझे ये प्रोडक्ट पहले मिला होता तो मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा होता मैं, बट आई एम गोना स्टिक विद दिस प्रोडक्ट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम नाउ, दैट्स व्हाट आई एम श्योर अबाउट। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मिलता हूँ ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।